हमने अब तक मोशनल ईएमएफ किया, हमने एक रूल किया कि अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लंबाई एल है और आप उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी से मैग्नेटिक फील्ड में खींचते हो तो ईएमएफ कितनी डेवलप होती है उसके क्रॉस बी एल वी। क्या ये टॉपिक क्लियर है? बी एल वी। लेकिन एक शर्त थी, एक इसमें कंडीशन है जब आप बी एल वी लगाते हो, वो क्या कि अगर आपके पास कोई भी एक रॉड है, ये रॉड है एल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और एल आपस में 90 पे होने चाहिए। चेक कर लो, लेंथ और वेलोसिटी 90 पे है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ बोर्ड के अंदर 90 पे है, तो तीनों 90 पे होने चाहिए तो मोशनल ईएमएफ बीएलवी लगती है। क्या स्टेप क्लियर तक क्लियर है? तो अब क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट है इसके अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है कि बीएलवी बता दिया मैंने आपको मोशनल ईएमएफ है, और अगर रॉड गोल घूमती है तो ईएमएफ हमने लास्ट टाइम डराइव की थी जाते हुए हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक हमने दो ही फॉर्मूलाज किए हैं, तो इसके बेस पे आपको दो तीन खास किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत चांस है, देखो मुझे अभी तो पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत चांस है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये दो तीन किस्म के क्वेश्चंस हैं। पहले तो आए हुए हैं, अब ना आए क्योंकि अर्थ ह्यूमैनिटीज़ सिलेबस में नहीं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कॉम्पिटिशन में आने का बहुत स्कोप है और हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आ जाए। पिछले कई साल से आते गए हैं ये दो किस्म के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ लें, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने किया ये डिस्कस, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है बी वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सही है। अब इमेजिन करें इस रूम में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड कैसे है, ऐसे है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे है, ऐसे है। इमेजिन कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो इमेजिन करें कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नीचे है। अब इमेजिन करें कि एक एरोप्लेन क्वेश्चन में आएगा, वो उड़ रहा है हवा में। जब एरोप्लेन उड़ेगा तो मान लो ये लेंथ है एरोप्लेन की, विंग्स की टोटल एल लेंथ है इसकी, एक रॉड की तरह एक रॉड उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, वो कौन सी लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, इसके सामने क्या आएंगी, वर्टिकल लाइंस। इमेजिन करें वर्टिकल लाइंस हैं, जब ये प्लेन उड़ता हुआ आएगा तो ये परपेंडिकुलर कट किसे करेगा, अर्थ की वर्टिकल लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, हॉरिजॉन्टल को कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो प्लेन के साथ अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो अर्थ प्लेन के साथ अलाइंड है, पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट इसके रास्ते में आते जाएंगे, इसे काटता जाएगा। तो इसमें रॉड में मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, और मोशनल ईएमएफ की क्या शर्त थी कि बी एल और वी आपस में क्या होने चाहिए, 90 पे। तो अगर मैं इस एरोप्लेन की लेंथ को यहां मूव करवा रहा हूं तो यहां मोशनल ईएमएफ एच जनरेट नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि एल के साथ उसका एंगल 90 नहीं है, कौन जनरेट करेगा, वर्टिकल। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला इसमें लगेगा बी एल वी, और बी कौन सा यूज करेंगे अर्थ का, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। क्लियर है? तो जब भी एरोप्लेन उड़ेगा तो एरोप्लेन के उड़ने में आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाना है, बीएलवी, लेकिन अर्थ का कौन सा कंपोनेंट कट करता हुआ जा रहा है एरोप्लेन, वर्टिकल कंपोनेंट। सेम क्वेश्चन आएगा ट्रेन के ऊपर, एक ट्रेन है, एक ट्रेन ट्रैक पे ऐसे जा रही है, ट्रेन की जो चौड़ाई है वो लेंथ है उसकी एल है, तो इमेजिन करें ट्रेन का डिब्बा जो है वो एल की तरह है, ये ट्रेन का डिब्बा है, तो अगर वो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा अर्थ की सरफेस पे तो कौन से कंपोनेंट को फिर कट करता जाएगा, वर्टिकल। तो ट्रेन के दो एंड पे मोशनल ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, बीएलवी, लेकिन बी कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन शॉर्ट शॉर्टकट ये है, कोई भी चीज अर्थ के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल चलेगी तो मोशनल ईएमएफ डेवलप क्या होगी, बीएलवी, लेकिन बी कौन सा यूज करना है, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन आप उल्टा इमेजिन करो, एक रॉड है, वो क्वेश्चन में कहेगा एक रॉड है, एक रॉड फ्री फॉल नीचे गिर रही है, अब जब वो नीचे गिर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ नीचे गिर रही है, उसको काट नहीं रही, किसको काट रही है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करती जाएगी, कि हॉरिजॉन्टल ऐसा है इसको कट करेगी, तो इसलिए इस रॉड जो नीचे गिर रही है उसमें मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी, लेकिन बी कौन सा यूज करेंगे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब रॉड वर्टिकल गिरती है तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल चलती है तो बी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये शॉर्टकट है बस। ये स्टैंडर्ड तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट की विंग्स की लेंथ गिवन है तो एल गिवन है, आपको वी गिवन है, वो मूव कर रहा है इसी हेमिस्फेयर के ऊपर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पता है। जब भी एरोप्लेन उड़ेगा आपने क्या बताया था, कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, वर्टिकल, आपको वर्टिकल पता है, आपको लेंथ पता है, आपको वेलोसिटी पता है, आंसर कुछ करना ही नहीं है, एरोप्लेन उड़ेगा तो इतना, ये तो फालतू लिखा हुआ है, मेरे से पूछो बीएलवी 50 बार ये क्वेश्चन मैंने कहीं कहीं हमेशा देख रखा है, कॉम्पिटिशन के अंदर भी देख रखा है। तो जब भी प्लेन उड़ेगा कुछ करना ही नहीं है, बीएलवी में हमेशा बी का कौन सा कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन आएगा, फिर से एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी पता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ईएमएफ निकालनी है, और लंबाई कितनी है 20, और अर्थ का कौन सा कंपोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल, मुझे नहीं चाहिए, जब प्लेन उड़ता है तो कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल, और मुझे कौन सा दे रहा है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन साथ में क्या दे रहा है, एंगल ऑफ डिप। तो आपको याद होगा हमने अर्थ मैग्नेटिज्म इसी क्वेश्चन के लिए ही किया था, मुझे पता था ये क्वेश्चन ईएमएफ में आएगा, इसलिए मैंने करवाया था, टैन ऑफ डेल्टा इज वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, एंगल ऑफ डिप दे दिया, तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के मोशनल ईएमएफ में बीएलवी में कौन सा कंपोनेंट लगाओगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो समझ में आ रहा है यहां तक, अर्थ मैग्नेटिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, मतलब यहां इतनी टाइम से आई जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि हॉरिजॉन्टल गिवन है तब भी आपने वर्टिकल ही लेना है। तो आप चेक कर सकते हो, इसने पहले वर्टिकल निकाला, फिर बीएलवी के फॉर्मूले में वर्टिकल को पुट करके आंसर निकाला। अगले क्वेश्चन में कह रहे रेलवे ट्रैक है, अगर ट्रेन जा रही है 1 मीटर अपार्ट, एल पता है, ईएमएफ निकालनी है, वी पता है, और साथ में क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो। भाई जब ट्रेन हॉरिजॉन्टली जाएगी मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल। मैं फिर से एंगल ऑफ डिप से सबसे पहले क्या निकालूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर मैं बीएलवी में क्या पुट करूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को इतने रटे पड़े हैं कि मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने का भी मन नहीं करता, मतलब मुझे पता ही है कि यार एरोप्लेन और ट्रेन जब चलेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, और जब रॉड नीचे गिरेगी, एक रॉड लंबाई पता है, फॉल फ्रीली, नीचे गिर रही है 10 मीटर हाइट से, और अर्थ का कौन सा कॉम्पोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल, ईएमएफ निकालो। पहले तुम 10 मीटर पे क्या निकालोगे, वेलोसिटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs से वेलोसिटी निकलेगी, फिर रॉड जब नीचे गिरती है तो कौन सा कॉम्पोनेंट यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पता है, एल पता है, वेलोसिटी निकाल ली, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक के, तीन टाइप के कौन से स्पेशल क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रहेगा वर्टिकल कब, हॉरिजॉन्टल कब।